दोस्तों आप लोग अपनी आंखें खोलकर देखिएगा, यहां पर आपको दिख रहा होगा व्यूज, कितना व्यूज, 52 मिलियन व्यूज, और सिर्फ 30 दिनों के अंदर, 30 दिन में 52 मिलियन व्यूज आपको दिख रहे हैं, जिससे ये चैनल कितनी कमाई कर रहा है आपके सामने है। और ये चैनल सिर्फ और सिर्फ 10 वीडियो डालकर मिलियंस में सब्सक्राइबर कर लिया है, मिलियंस में। जितना वीडियो डालकर आप बोलोगे कि मेरे 10 सब्सक्राइबर नहीं हुए, 100 सब्सक्राइबर नहीं हुए, ये सिर्फ और सिर्फ 10 वीडियो डालकर मिलियंस में सब्सक्राइबर कर लिया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर फिर कोई बहुत तगड़ा कॉन्टेंट बना रहा होगा कि जो 10 वीडियो में मिलियन में सब्सक्राइबर हो गए, इतने अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, इतनी अच्छी खासी कमाई हो रही है। बिल्कुल गलत सोच रहे हो। जो ये बंदा है, ये खुद का वीडियो तक नहीं बनाता है, उसके बावजूद भी इतने तगड़े व्यूज लिया है, इतना तगड़ा चैनल ग्रो किया है कि 10 वीडियो में मिलियन में सब्सक्राइबर कर लिया है और इतनी अच्छी खासी यहां पर अर्निंग किया है। अब खुद का वीडियो नहीं बनाता तो क्या बनाता है? ग्रीन स्क्रीन वीडियो नहीं बनाता, उसके चक्कर मत रहो, करे सर ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाता, ना 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 ना, कोई ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाता है। यह जो वीडियो बनाता है वो बनाता है कॉपी पेस्ट। अब कॉपी पेस्ट क्या होता है? कॉपी पेस्ट में आपको कुछ कॉपी करना होता है और उसी को पेस्ट करके आपका वीडियो बन जाता है। यानी कि यहां पर आपको कोई भी वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपका कोई चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद का जब वीडियो नहीं बनाओगे तो चेहरे दिखाने की जरूरत है ही नहीं। और यहां पर सबसे बड़ी बात, आवाज तक डालने की जरूरत नहीं है। जो ये चैनल है जिसका मैं यहां पर सब कुछ दिखा रहा हूं, ये बिना कोई अपना वीडियो बनाए, बिना चेहरा दिखाए, बिना आवाज डाले, सिर्फ कॉपी पेस्ट करके एक ऐसा कंटेंट बनाता है जिससे इसने 10 वीडियो से ही मिलियन में सब्सक्राइबर कर लिए हैं, और 30 दिनों के अंदर ही, आप देख सकते हो 30 दिनों के अंदर ही 52 मिलियन व्यूज ले रहा है, और यहां पर देख सकते हो अच्छी खासी कमाई कर रहा है, और बहुत कमाल का चैनल है। आपको क्या कॉपी करना है, क्या पेस्ट करना है, कैसे कंटेंट बनेगा, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। और आपको इतना बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर कॉपी पेस्ट करने में कहीं बहुत टाइम तो नहीं लगेगा, तो सिर्फ आपके 10 मिनट लगने वाले हैं, 10 मिनट में ही आपका वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा। और वो वीडियो लाइव बनाकर मैं अपने मोबाइल फोन में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप बनाओगे, एडिटिंग कैसे करोगे, क्या कॉपी करना है, क्या पेस्ट करना है, कहां से कौन सा कंटेंट मिलेगा जिसको कॉपी पेस्ट करके आप वीडियो बनाओगे, सब डिटेल में बताऊंगा। बहुत कमाल का वीडियो होने वाला है, क्योंकि हर नया यूट्यूबर यही कॉमेंट करके बोलता है, सर हमको ऐसा चैनल चाहिए जो जल्दी ग्रो हो, हमको इंतजार ना करवाए। तो भाई इससे अच्छा खासा कौन ग्रो होगा चैनल, 10 वीडियो से मिलियन में सब्सक्राइबर। भाई 10 वीडियो डालकर 100 सब्सक्राइबर नहीं होते हैं कंप्लीट, कितना अच्छा चैनल बना लो। यहां 10 वीडियो डालकर मिलियंस में सब्सक्राइबर किया गया है, और सिर्फ 10 मिनट में आप कॉपी पेस्ट करके ऐसा वीडियो बना सकते हो इसके जैसा, और वैसे ही अपने चैनल को ग्रो करके व्यूज लेकर पैसा जो ये चैनल कमा रहा है वैसे ही आप कमा सकते हो। सारा प्रोसेस बताऊंगा, बिल्कुल अलग चैनल। और नए यूट्यूबर जो अभी तक यूट्यूब जर्नी नहीं स्टार्ट किए हैं, या फिर कोई ऐसे ही जो मन किया चैनल बनाकर काम कर रहे हैं लेकिन चैनल नहीं ग्रो हुआ है, ऐसे यूट्यूबर के लिए रामबाण चैनल ये होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत कमाल का आपको कंटेंट बनाने का तरीका बताऊंगा। कॉपी पेस्ट फुल्ली 100% कॉपी पेस्ट कंटेंट है, कोई वीडियो बनाने का झंझट नहीं है, सब बना बनाया चीजें पड़ा है, कॉपी करो पेस्ट करो वीडियो बनकर तैयार, 10 मिनट में कंटेंट बन गया फर्स्ट क्लास, ऐसे ही तगड़ा सा चैनल ग्रो होगा, व्यूज देगा और पैसे आप कमाओगे। तो कौन सा चैनल है पहले वो चलिए दिखाता हूं, क्या कंटेंट बनाता है वो चीज आपको दिखाता हूं, और उसके बाद कहां से वो कंटेंट मिलेगा, क्या कॉपी करना है, क्या पेस्ट करना है, और कैसे कॉपी पेस्ट करके कैसे मोबाइल में एडिटिंग करके वो वीडियो बनाओगे, सारा फुल प्रोसेस आज के ही वीडियो में बताऊंगा। तो डायरेक्ट लेकर चलता हूं उस चैनल पर और आपको कॉन्टेंट दिखाता हूं, वो चैनल दिखाता हूं। दोस्तों यहां पर मैं उस चैनल पर आ चुका हूं जिस चैनल की मैं बात कर रहा था, चैनल का नाम है SPM Facts। चैनल पर कितने सब्सक्राइबर हैं वो देखने से पहले चैनल पर कितने वीडियो डाले गए हैं वो देखो, सिर्फ और सिर्फ 16 वीडियो डाले गए हैं अभी तक, और चैनल पर 1.29 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, यानी कि 12,90,000 लगभग 13 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं सिर्फ 16 वीडियो से। और ये बंदा जब चैनल बनाया तो बैनर में क्या लिखा है देखोगे, टारगेट 1 मिलियन सब्सक्राइबर। अब बैनर में यही लिखकर स्टार्ट किया, लेकिन उसको क्या पता था कि जो मैं कॉपी पेस्ट कंटेंट बनाने वाला हूं उसमें
ये जो मैं टारगेट लिख रहा हूं, ये टारगेट 16 वीडियो छोड़ो 10 वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हो 16 वीडियो से 13 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर 10 ही वीडियो से हो गए थे। कैसे, क्या कंटेंट बनाया, क्या अलग दिमाग लगाया, क्या कॉपी पेस्ट किया, कैसे बनाया, सब बताऊंगा। पहले आप कॉन्टेंट देखो कि ये बना क्या रहा है। यहां पर मैं आया हूं, यहां पर देखोगे तो शॉर्ट्स वीडियो बनाता है कोई, ये लॉन्ग वीडियो नहीं बनाता, शॉर्ट्स बनाता है, इसलिए बहुत कम टाइम के अंदर कंटेंट बनकर तैयार हो जाएगा। सिर्फ आपके 10 मिनट लगेंगे, जो मैंने बोला था वो 10 मिनट में आपका कंटेंट बनकर तैयार हो जाएगा। और मैं हमेशा बोलता हूं कि नया यूट्यूबर, नया क्रिएटर जो भी आता है यूट्यूब पर, उसको सबसे पहले शॉर्ट्स चैनल बनाना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें थोड़ा थोड़ा करना होगा, एडिटिंग हुआ, काम करना हुआ, तो ज्यादा वो बोर नहीं होगा। और ऐसा चैनल मिल गया कि भाई तुरंत ग्रो हो जाए, तब तो सोने में सुहागा है। तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। अब कंटेंट बनाता क्या है वो चीज मैं आपको दिखाऊं, उसके पहले मैं पॉपुलर वीडियो इसका दिखा देता हूं। मैं पॉपुलर वीडियो पर चलता हूं, ध्यान दीजिएगा कितना तगड़ा व्यूज आया है सिर्फ 16 वीडियो डालकर। देखिएगा, आप लोग ये बोलते हो सर शॉर्ट्स चैनल कितने वीडियो डालने के बाद ग्रो होगा, भाई अगर तगड़ा चैनल, एक परफेक्ट चैनल, सही चैनल बना लिए ना, तो देख सकते हो 16 वीडियो से ही इतना तगड़ा वायरल गया है, सब्सक्राइबर मिले हैं, व्यूज मिला है कि खुद देख लो। 31 मिलियन व्यूज मोस्ट वायरल वीडियो ओपन किया हूं, 18 मिलियन व्यूज, 1.3 मिलियन व्यूज, यानी अभी अभी वायरल होना स्टार्ट हुए हैं, नया नया चैनल है, लेकिन यहां पर मोस्ट वायरल देखोगे 31 मिलियन, 18 मिलियन, 1 मिलियन, इस तरीके से व्यूज आए। 1 मिलियन तो छोड़ ही दो, अभी नया लेटेस्ट ये जो है वायरल होना स्टार्ट हुआ है, यहां पर देखोगे 31 मिलियन व्यूज आए हैं, तभी इतने अच्छे खासे इसको सब्सक्राइबर मिल गए। क्या कंटेंट बनाता है, किस तरीके का कंटेंट बनाता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं कि बनाता क्या है ना, तो देखो 31 मिलियन व्यूज किस पर आया है, ओपन करता हूं, ध्यान दीजिएगा क्या कंटेंट ये बना रहा है। वीडियो मैंने ओपन किया है, कौन सा देश का ब्रोकर सबसे ज्यादा मजबूत है, सबसे पहले हम इन अमेरिका के ब्रोकर को नीचे फेंकते हैं, लेकिन ये क्या, ये तो यहीं पर टूट जाती है और कंपटीशन हर जाती है, फिर बारी आती है जापान की ब्रोकर, देख रहे हो, ध्यान दोगे समझ में आ गया। देखिए, और कंपटीशन हार जाती है, अब बारी आती है। जो आप वॉइस सुन रहे हो, जो आप आवाज सुन रहे हो, वो आवाज एआई वॉइस है, तो इसलिए ये मत घबराना कि सर आवाज क्या डालना होगा, क्या एआई वॉइस है। और अगर आपको ये लगता है कि सर एआई वॉइस नहीं, मैं खुद का डालूंगा, तो भाई अपना खुद का आवाज डाल सकते हो, लेकिन कंटेंट क्या बना रहा है ध्यान दोगे, तो यहां पर ये क्या कर रहा है कि अलग अलग कलर्स के अलग अलग बॉटल्स हैं, जो कि सीढ़ियों पर ऐसे स्क्रॉल, मतलब कि क्या किए जाते हैं, स्क्रॉल किए जाते हैं, और वो ऐसे ऐसे ढनकता हुआ नीचे जाता है, मतलब लुढ़कता हुआ नीचे जाता है, ठीक है। अब कोई दो सीढ़ी, कोई तीन सीढ़ी बाद फूट जाता है, कोई लास्ट तक नीचे जाता है, ठीक। अब दिमाग क्या लगाया गया, चीजें समझो, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये वीडियो आपको बनाना नहीं है, घबराओ मत, अरे सर ये क्या क्या चीजें हैं, हम कैसे बनाएंगे, सीढ़ी का जुगाड़ करेंगे, ये बॉटल का जुगाड़ करेंगे, इसको ढंगाएंगे, ना 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 ना, आपको कुछ नहीं करना है यार, कुछ भी नहीं करना है। ये सारा जो वीडियो देख रहे हो, ये एक चैनल का है, विदेश का चैनल है, उसी चैनल के वीडियो को लेकर उसी का क्लिप यूज किया गया है, और पीछे से अपना आवाज डाल दिया गया है, एडिटिंग कर दी गई है, एक नए तरीके से वीडियो क्रिएट कर दिया गया है, और फर्स्ट क्लास ये उससे व्यूज ले रहा है, सब्सक्राइबर ले रहा है, चैनल को ग्रो कर रहा है। कौन से वीडियो, कौन से चैनल से वीडियो लेता है सब बताऊंगा, घबराओ मत, ठीक है। अब यहां पर क्या करता है, दिमाग क्या लगाता है, चीजें समझना। जैसे यहां पर एक बॉटल लुढ़काया, तो इसमें क्या होता है, जो उसका वीडियो रहता है 1-2 मिनट का वीडियो रहता है, जो चैनल है जिस चैनल की मैं बात कर रहा हूं, जिस चैनल से वीडियो लेता है, 2 मिनट का वीडियो उसका चैनल के रहता है। अब उसमें ना वो कम से कम 10 बॉटल ऐसे लुढ़काता है, तो 10 बॉटल में 9 बॉटल फूट जाते हैं, लास्ट तक, लास्ट सीढ़ी तक नहीं पहुंचता है, लेकिन लास्ट में एक बॉटल एकदम मतलब कि जो नीचे वाली सीढ़ी है वहां पहुंचता है, और इसके बाद वो नहीं फूटता है, तो वहीं पर वीडियो खत्म कर दिया जाता है। अब बंदा दिमाग क्या लगाया पता है, जो बॉटल फूट रहे होते हैं उनको अलग अलग देश का नाम दे देगा कि ये इंडिया का है, ये पाकिस्तान का बॉटल है, ये क्या है, चाइना का बॉटल है, ये वहां का बॉटल है, ऐसे ऐसे करके नाम दे देगा, यानी उस देश का बॉटल है। चीजें समझना, आपके इमोशन के साथ वो कंटेंट क्रिएट करता है, दिमाग समझना एक क्रिएटर काम कैसे करता है। तो क्या होगा, जो बॉटल फूटेगा तो उसको बोल देगा ये चाइना का बॉटल है, ये उस जगह का, इस देश का बॉटल है, ऐसे ऐसे करके लुढ़का देगा, तो 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी गया, फूट गया। जो बॉटल जीतता है लास्ट वाला, उसको बना देगा इंडिया का बॉटल। अब आदमी इसी से रिलेट करेगा, नॉर्मल बॉटल अगर ऐसे लुढ़काकर वीडियो बना दे कोई नहीं देखेगा, लेकिन उसमें इसने क्या किया, इमोशन मिक्स कर दिया कि आप इंडिया वाले हो, जैसे आप हिंदी में वीडियो बनाओगे तो भाई अपने इंडियन ऑडियंस के पास जाएगा, आप इंडिया वाले हो तो इंडिया के व्यूवर्स भी बहुत ज्यादा है, तो लोगों को कनेक्ट कर देगा कि भैया चलो देखते हैं यार, मतलब शॉर्ट्स है ही, कोई ऐसा है नहीं 10 मिनट का वीडियो, शॉर्ट्स है 30-40 सेकंड का,
तो उनको लगेगा चलो यार कौन सा इंडिया का बॉटल है, देखते हैं फूटता है या नहीं, क्योंकि और सारे देश के बॉटल तो फूट जा रहे हैं। तो रुक कर वो देखेंगे, वही आपके इमोशन को जब वो कंटेंट में मिक्स कर देता है तो एक परफेक्ट वीडियो तैयार होता है, और उसी से ये वीडियो वायरल गया है और ऐसा ही कंटेंट वो बनाता है। अब बनेगा कैसे सब बताऊंगा, ना घबराओ, बिल्कुल ना घबराओ, आसानी से बना लोगे, सब बताऊंगा, एडिटिंग तक बताऊंगा। अब कौन से चैनल का ये कंटेंट लेता है आपके दिमाग में ये रहा होगा, तो उसको मैं बताने के लिए यहां पर आता हूं। ध्यान दोगे, चैनल का नाम है ब्रेकर ओजी करके, और ये एक फॉरेन कंट्री का यानी विदेश का चैनल है। यहां पर देखोगे इस पर इसके भी 3.38 मिलियन सब्सक्राइबर है, 576 वीडियो डाला है, और यहां पर देखोगे ये वीडियो सेक्शन पर आओगे लॉन्ग वीडियो पर, सारा कॉन्टेंट जो बनाता है वही बॉटल वाला बनाता है। यहां पर देखोगे 1 मिनट 27 सेकंड, 8 मिनट का ये है, 8 मिनट का, 1 मिनट 50 सेकंड, 2 मिनट 22 सेकंड, 1 मिनट 19 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट 8 सेकंड, ऐसे ऐसे वीडियो रहते हैं, और सारे को ऐसे मतलब कि जो रहता है सीढ़ी उसी पे लुड़का देगा, और ऐसे ऐसे करके वो बॉटल जाते हैं। तो इसी का क्लिप आपको लेना है। अब ये क्लिप आप कैसे लोगे वो यूट्यूब पर बता नहीं सकता, बताऊंगा तो वो खिलाफ है, तो यहां से आप क्लिप ले लेना, इतना समझदार हो कि ये आप ले सकते हो वीडियो, जो ये वीडियो है जिसका क्लिप यूज करना है ले सकते हो। अब लेने के बाद उसका आपको वीडियो बनाना पड़ेगा। अब वीडियो बनेगा कैसे वो प्रोसेस चलिए मैं आपको बता देता हूं, और कोई मत घबराना कि सर चैनल ना मोनेटाइज हो, भाई साहब चैनल मोनेटाइज करना है तो ये तो बंदा एआई वाइस यूज कर रहा था, तो एआई वाइस मत यूज करना, अपनी आवाज डालकर वीडियो बनाना। कैसे आवाज डालोगे, जैसे वो बंदा आवाज डाल रहा था ना, आराम से आवाज डाल रहा था ना, बिंदास आवाज डाल रहा था, तो उसी टाइप का आपको अपनी आवाज में बोलना है, जैसे एआई वाइज बोल रहा था उसमें, उसी टाइप को आपको अपनी आवाज देकर बोलना है। और बैकग्राउंड में देख रहे थे ना कौन सा धुन लग रहा था, वो एक देशभक्ति गाने का है, आप लोगों को पता होगा वो कौन सा, ऐसे कुछ था मतलब सनी देओल या फिर कोई पुराने मूवी का वो मतलब सॉन्ग है, जैसे देशभक्ति कोई मूवी है उसी का, आप लोग जाकर देख लेना, उसी का बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया गया है, तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक अपना यूट्यूब से ले लेना और उसको अपना बैकग्राउंड में लगा देना। लेकिन वीडियो कैसे क्रिएट होगा चलिए वो मैं आपको मोबाइल फोन के अंदर बता देता हूं। अब यहां पर आपको सबसे पहले एक ऐप की जरूरत पड़ेगी, इमेज सर्च फॉर मैन करके एक ऐप है, ये आप लोग जानते होंगे, प्ले स्टोर पर जाओगे मिल जाएगा, इमेज सर्च फॉर मैन करके सर्च करोगे ये वाला ऐप मिल जाएगा, इस ऐप को ओपन करना है। यहां से आपको लेना है जैसे इंडिया देश का हो गया, आप बनाओगे जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, 3-4 देश का बनाओगे या फिर अमेरिका हो गया, तो आप सिंपल सा जाओ जैसे यहां पर सर्च करोगे, यहां पर आप गए सर्च किए इंडिया फ्लैग HD PNG, आपने लिखकर यहां पर सर्च किया तो इंडियन फ्लैग का यहां पर देख सकते हो ये आ चुका है फोटो, ये जैसे इंडियन फ्लैग का फोटो आ गया इसको डाउनलोड कर लो। ठीक, अब यहां पर जैसे उसके मतलब वर्सेस में यानी उसके साथ कौन सा और बॉटल लुढ़क रहा है उस हिसाब से आपको जैसे पाकिस्तान का फ्लैग करना है तो आप पाक फ्लैग HD करोगे, आपको पाकिस्तान का मिल जाएगा। आप अमेरिका का यहां पर करोगे, अमेरिका लिखा आपने, अमेरिका फ्लैग HD PNG, तो आपको अमेरिका देश का झंडा मिल जाएगा। तो यानी आपको जितने मान चलिए 3 या फिर 4 देश के मतलब कि वर्सेस में बनाना है तो आपको क्या करना है, यहां पर उनका फोटो आप डाउनलोड कर लो जिस जिस देश का बनाना है, यानी जिस जैसे इंडिया लेना है, चाइना लेना है, पाकिस्तान लेना है, अमेरिका लेना है, तो उन देश का फ्लैग आप डाउनलोड कर लो। अब फ्लैग डाउनलोड जब कर लोगे आप यहां पर लास्ट में एक और आपको डाउनलोड करना होगा, लिखोगे ट्रॉफी HD PNG। ठीक है, अब ट्रॉफी का आपको फोटो यहां पर मिल जाएगा, देख सकते हो कई सारे ट्रॉफी के फोटो आए हैं, उसको डाउनलोड कर लो। अब ये काम कहां पर आएगा, जैसे जो विनर होगा ना उसको आपको ट्रॉफी करके ऐसे दिखाना है वीडियो में, इसलिए आप यहां पर जाओ अपना एक जो ट्रॉफी अच्छा लग रहा है उसको कर लो डाउनलोड। अब ये चीज करने के बाद आपको क्या करना है, मैं इसको नेट बंद करता हूं। ठीक है, अब ये चीज करने के बाद आपको सिंपल सा आ जाना है काइन मास्टर के अंदर एडिटिंग करने के लिए। एडिटिंग बहुत सिंपल है, कोई तामझाम नहीं है, काइन मास्टर के अंदर आ जाओ या फिर जो भी आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हो उससे आप कर सकते हो। जैसे काइन मास्टर के अंदर मैं आ गया है, क्रिएट न्यू पर जाऊंगा। अब शॉर्ट्स वीडियो बनाना है तो शॉर्ट्स का रेशियो ये लॉन्ग वाला जो होता है ना पूरा फुल स्क्रीन में 9:16 ये मैं सिलेक्ट करूंगा और क्रिएट पर सिंपली क्लिक करूंगा। अब यहां पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मैं जाता हूं वो वीडियो अपना ले लेता हूं। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने ले लिया जैसे जो मैंने बताया नहीं था आपको यहां पर। अब मैंने जैसे ये वीडियो ले लिया, यहां पर जाकर 9:16 में यहां पर आ चुका है ये वीडियो। ठीक, अब वीडियो ये आ चुका है और ये वीडियो जो है वो मेनली ये वाला चैनल बनाता है ना, वो ज्यादातर देखोगे आपको ऐसे ही लंबे लंबे फॉर्मेट में बनाता है। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर पहले वीडियो पर जाना है, पैन एंड जूम पर जाना है, और इसको क्या करना है, पैन एंड जूम से इसको ऐसे नीचे ले आकर इसको ऐसे कर लेना है, थोड़ा सा ऊपर जगह छोड़ देना है। ठीक है, जैसे ये जगह छूटा हुआ है ना तो थोड़ा सा आपको जगह छोड़ देना है, जैसे यहां पर मैंने किया जगह छूट गया ऊपर। अब इसमें क्या करना है बता रहा हूं, अब ऊपर आप जाओ सिंपल सा, ऊपर जाने के बाद लेयर्स पे जाओ, टेक्स्ट पर जाओ, जैसे आपको 3 देश के ऊपर बनाना है। ठीक है, तो आप क्या लिख लोगे, इंडिया वर्सेस पाक मतलब पाकिस्तान वर्सेस चाइना, मैंने 3 देश कर लिया,
यहां पर आ गया है, देख सकते हो इंडिया वर्सेस पाक वर्सेस चाइना, तीन देश के बारे में यहां पर बनाना है। तो मैं वर्सेस करके ऐसे लगा लूंगा और यहां पर मैं जाऊंगा, यहां पर पहले मैं फॉन्ट को चेंज करता हूं, तो फॉन्ट पर मैं जाता हूं, इस फॉन्ट को मैं ले लेता हूं, ये फॉन्ट ये वाला, मतलब कि थोड़ा सा जो जूम टाइप का हो, मतलब कैपिटल टाइप का फॉन्ट हो, वो मैं कैपिटल वाला फॉन्ट ले लेता हूं। ठीक है, अब मैंने ये कैपिटल वाला फॉन्ट ले लिया, अब मैं क्या करूंगा, कलर को यहां पर मैं कर लेता हूं रेड, मैंने कलर को रेड कर लिया। अब यहां पर बैकग्राउंड कलर को मैं कर लेता हूं येलो कलर, ठीक है येलो कलर, तो ये बैकग्राउंड को मैंने येलो कलर कर लिया, इसको मैं 100 कर लूंगा। अब 100 कर लूंगा तो क्या होगा, ये पूरा फुल 100 आ गया। अब फुल विड्थ बैकग्राउंड को मैं यहां पर ऑन करूंगा तो ये पूरा फुल फुल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं कर लूंगा ऊपर, ये ऊपर मैंने कर लिया, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूं, जैसे मैंने इसको कर लिया ये ऊपर ऊपर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो लास्ट में 3 डॉट दिख रहा है इस पर जाऊंगा और डुप्लीकेट पर क्लिक करूंगा। अब डुप्लीकेट पर जब मैं क्लिक करूंगा तो देख सकते हो एक डुप्लीकेट भी सेम आ चुका है, तो उसको मैं नीचे लगा दूंगा। अब आप बोलोगे अरे सर नीचे क्यों लगा रहे हो, ये आप दो दो हो गया है, नहीं दो दो नहीं हुआ है, अभी बता रहा हूँ इसका यूज क्या है। अब डुप्लीकेट वाले पर जाऊंगा जो सेम लिख कर आया है, मैं उसके लिए एडिट वाला ऑप्शन जो ये वाला दिख रहा है इस एडिट वाले पर जाऊंगा और ये इंडिया वर्सेस करके जो लिखा गया इसको सब हटा दूंगा। मैं क्या लिखूंगा यहां पर, देखिएगा मैं यहां पर लिखूंगा वेट फॉर इंड, यानी लास्ट तक इंतजार करो, यानी लास्ट तक देखो, सॉरी ये वेट का गड़बड़ हो गया स्पेलिंग, तो मैं क्या करूंगा वेट का स्पेलिंग सही कर देता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कट करता हूं वेट फॉर इंड, ये मैं करके इसको मैं ओके कर देता हूं। ठीक, ये वेट फॉर इंड करके मैं इसको नीचे लगा दूंगा ये। अब इसको मैं कलर को कर लूंगा चेंज, ये रेड मैं नहीं रखूंगा, ये मैं कर लूंगा ब्लैक कर लेता हूं। ठीक, ये मैं कर लेता हूं कलर ब्लैक, ये ब्लैक करके मैं ओके कर लेता हूं, ये मैंने ओके किया, देख सकते हो ब्लैक हो गया। अब अगर आप ध्यान दोगे तो आपका वीडियो नीचे दिख रहा है और नीचे वीडियो दिख रहा है, ऊपर इंडिया वर्सेस पाक वर्सेस चाइना, यानी जो आपको जिस देश के बारे में दिखाना है वो कर दो, वेट फॉर इंड करके लिख दो, तो एक अट्रैक्टिव तरीके से लगेगा जिससे लोग थोड़ा लास्ट तक रुकते हैं। इसको अपना ऐसे बड़ा कर लो, यानी जितना बड़ा आपका वीडियो रहेगा उतना तक अपना खींच कर ऐसे कर लो। अब ये चीज़ जब कर लोगे ना पूरा का पूरा, यहां से जैसे आपने कर लिया, अब करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे जो जो बॉटल है स्टार्टिंग के सारे बॉटल फूट जाते हैं, तो आप क्या करोगे उन बॉटल्स के पहले जैसे बोलोगे कि सबसे पहले हम अमेरिका के बॉटल को यहां पर नीचे लुढ़काते हैं सीढ़ियों से, तो अमेरिका का झंडा यहां ऊपर जो दिख रहा है ना, ये ऊपर जो जगह दिख रहा है उसमें लगा दो। इसे अगर मैं जाऊंगा कैसे लगेगा, लेयर्स में जाओ सिंपल और मीडिया में जाओ, मीडिया में जाने के बाद जैसे मैंने यहां पर एक झंडा लिया हुआ है, जैसे मैं जाता हूं यहां पर जो झंडा मैंने लिया हुआ है वो झंडा यहां से ले लेता हूं, जैसे कोई भी एक झंडा मैंने यहां पर जैसे जो भी डाउनलोड किया है मैं एक झंडा ले लेता हूं। ठीक है, जैसे मैंने इंडिया का झंडा लिया था तो मैं क्या करूंगा, ये इंडिया का झंडा ऐसे लगा दूंगा ऊपर, ये छोटा सा करके यहां पर ऐसे लगा देता हूं, या फिर यहां मैं नीचे ऐसे लगा देता हूं। ठीक है, छोटा सा करके, या फिर आप यहां कोने में लगा सकते हो ऐसे, ये जैसे मैंने इंडिया का लगाया है, तो आप ऐसे जिस देश के बारे में बोलोगे उसका झंडा लगा देना, तो फ्लिक करोगे बॉटल जाएगा फूट जाएगा। इसके बाद लास्ट में जैसे इंडिया वाला बॉटल जो जीतने वाला बॉटल है वहां इंडिया का झंडा लगाकर बना देना। और कैसे बोलना है जाकर देखोगे, जैसे AI वॉइस में वो बोल रहा है, AI वॉइस नहीं यूज करना है, अपनी वॉइस में बोल देना सिंपल सा, चाहे यहां रिकॉर्ड करके बोल देना है, फिर पहले से रिकॉर्ड करके रखे रहोगे उसका यहां पर वॉइस लगा देना, और इसके साथ ही वहां पर जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर अपना क्लिप अपना कट कर देना। जैसे यहां पर आएगा कि हाँ बॉटल यहां पर फ्लिप होकर फूट गया, तो यहां पर आप स्प्लिट कर सकते हो, स्प्लिट कर लो, और जहां का आपको पार्ट दिखे कि नहीं ये पार्ट यूज नहीं करना है आपको स्क्रॉल करो लेफ्ट या फिर राइट, जो ट्रिम करना है उसको ट्रिम कर लो, बस ट्रिम करके वही क्लिप लगा दो और पीछे से वॉइस ओवर कर दो, इस तरीके से जैसे बताया एडिटिंग कर दो, आपका कॉन्टेंट बनकर तैयार। अब एडिटिंग वेडिटिंग सारा कुछ आपने समझ लिया है, अब एक चीज बच रही है वो भी क्लियर कर देता हूं, इसको मैं रखता हूं मोबाइल अंदर। क्या चीज बच रही है, यहां पर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूं, एक चीज बच रही है चैनल की कैटेगरी। ठीक है, तो चैनल की कैटेगरी मैं क्लियर कर देता हूं। कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो चैनल का कैटेगरी सिंपल सा फैक्ट टाइप का भले ही नाम लिखा गया है लेकिन फैक्ट पर मत जाना, ये थोड़ा अलग टाइप का कॉन्टेंट है, जो मैंने अभी आपको दिखाया उस पर फैक्ट नहीं है, कुछ अलग है, इंटरटेनमेंट टाइप का कॉन्टेंट है। तो आप चैनल की कैटेगरी इंटरटेनमेंट सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, इंटरटेनमेंट सेलेक्ट करना और जैसे बताया उस तरीके से काम करना, बहुत तगड़ा बहुत फास्ट चैनल ग्रो होता है। प्रूफ भी दिया और कैसे काम करोगे, प्रूफ देने के बाद कैसे काम करना है वो सारा का सारा प्रोसेस मैंने आपको क्लियर किया है। तब पर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा। दिल से अगर वीडियो पसंद आया है, चैनल आइडिया पसंद आया है, तो बिना बोले लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। साथ ही अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल से नहीं जुड़े हो, तो सब्सक्राइब बटन दबा के बगल में जो घंटी दिया गया उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करना, जिससे मैं जो भी आगे वीडियो लाऊं सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और यहां पर शॉर्ट चैनल बनाने का फुल तरीका दिया हूं 2024 की फुल सेटिंग के साथ, जाकर देख लेना, वैसे ही चैनल बना लेना ये वीडियो देखने के बाद, और इसके बाद जैसे बताया हूं वैसे काम करना स्टार्ट करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।